नमस्कार दोस्तों, सीजी पकवान में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि फ्रेंड गर्मी का मौसम शुरू हो गया है तो हर किसी को ना चाहिए होता है ना ठंडा पानी मिले, तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पुराना मटका लिया है। और पुराने मटके जैसे सालों पुराने मटके से भी आप फ्रिज जैसा ठंडा पानी पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको छोटा सा ट्रिक अपनाना है, जिससे कि आपका मटका, जैसे नए मटके लाते हैं ना, कुछ ही दिन ही ठंडे पानी देता है, फिर वो ठंडा पानी देना बंद कर देता है। तो आज की ट्रिक से मैं फ्रेंड, जैसे कि हमारे घरों में जो पुराने मटके हैं ना, उससे भी आप फ्रिज जैसा ठंडा मीठा पानी पा सकते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल एक छोटा सा आपको काम करना है। और ये मेरा जो मटका है ना, काफ़ी पुराना मटका है और देखने में आपको दिख भी रहा होगा काफ़ी ये पुराना हो गया है और गंदा भी दिख रहा है बाहर से। तो यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड, आपको ही सब है स्क्रबर आपको ले लेना है, या फिर रेतमल जो पेपर रहता है उसको भी आप ले सकते हैं। और इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक चम्मच के करीब मैंने चीनी डाल दिया है। चीनी भी स्क्रबिंग में बहुत ही अच्छे से काम करता है। और इसके बाद में मैं जो मेरा मटका है बाहर से कितना गंदा हो गया है, तो इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा कोलगेट डाल रही हूँ। देखिए, जितना हम एक ब्रश में यूज़ करते हैं ना, उतना ही कोलगेट हम इसमें लेंगे, जिसके जो गंदा दिख रहा है ना, जो हमारा मटका वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा, साफ़ नया जैसे दिखेगा। अब इसके बाद में इसमें थोड़ा सा पानी इस तरीके से इसको छिड़क देते हैं, गीला कर लेते हैं इसको। अब इसके बाद हम मटके को अच्छे से इसे साफ कर लेंगे इस तरीके से रगड़ते हुए। देखिए, जैसे कि फ्रेंड हमारे जो मटके हैं ना, जैसे जैसे पुराने हो जाते हैं, ये ठंडा पानी देना बंद कर देता है। इसका कारण ये है कि मटके में ना छोटा छोटा सा छिद्र होता है, छेद होता है, जिसके कारण ये पानी, जैसे नए मटके लाते हैं ना वो ठंडा पानी देता है, तो ये जो पुराना, जैसे मटका पुराना हो जाता है ना, इसका छिद्र है वो बंद हो जाता है। तो इसे ही हम खोलने के लिए स्क्रबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि जो इसमें छोटे छोटे से छेद रहते हैं, छिद्र होते हैं, वो खुल जाए और हमारे मटके का पानी, नए मटके जैसे ठंडा हो, फ्रिज जैसा ठंडा पानी मिले। तो हमें इस तरीके से स्क्रबर से मटके के बाहर को अच्छे से हमें साफ़ कर लेना है। अंदर के साइड हमें बिल्कुल भी साफ़ नहीं करना है, मटके में हमें हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो देखिए, हमने इसके मटके के चारों तरफ को अच्छे से स्क्रबिंग से अच्छे से हमने साफ़ कर लिए हैं, क्लीन कर लिए हैं। अब चलिए इसको पानी से अच्छे से हम धो लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। तो देखिए, हमने पानी से इसको अच्छे से धो लिए हैं, मटका भी हमारा अच्छे से क्लीन हो गया है, साफ़ हो गया है। अंदर हमें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, नहीं तो पानी हमारा ठंडा नहीं होगा। तो मटका हमारा साफ़ हो गया है। चलिए फिर अगला प्रोसेस देख लेते हैं। वीडियो को आपको पूरा देखना है, पूरा पूरा प्रोसेस, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये क्लीन करने के बाद में फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक चम्मच नमक ले रहे हैं। नमक को मटके के अंदर हमने डाल दिया है इस तरीके से। और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं पानी। और पानी डालने के बाद इसको हाथ हमें नहीं लगाना है, इसको अच्छे से चारों तरफ अच्छे से घुमाते हुए, नमक जो पानी डाले हैं ना, नमक पानी, इसको अच्छे से फैलाते हुए इसके मटके के अंदर इस तरीके से लगा देंगे। अब इसको 10-15 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। अभी 10-15 मिनट हो गया है। अब इसके बाद इस पानी को फेंक देते हैं, नमक वाला पानी को, और फिर से इस मटके को भर कर हम इसमें रख देते हैं। तो इसको पूरा मटके को हम भर लेंगे। अगर आप रात के कर रहे हैं ना, तो आप इसे रात भर के लिए इसके ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अगर नहीं तो आपके 3-4 घंटे के लिए इसको ऐसे ही डूबे रहने देंगे पानी में भर कर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पानी से मटका ऐसे डूबे डूबे हमें 3-4 घंटा हो गया है। तो इस पानी को हम खाली कर लेते हैं। अभी हमारा जो मटका है ना, पीने के पानी भरने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए फिर इसमें पीने का पानी हम भर लेते हैं। तो मटके को हमने धो लिए हैं, अब चलिए इसमें पीने का पानी हम भर लेते हैं। तो देखिए, मटका हमारा भर गया है पीने का पानी। अब इसके बाद में फ्रेंड, यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, बर्तन में मैंने पानी, इसमें भी पानी भर लिया है।
और भरने के बाद में जो मटका हमने भर के रखा है ना इसके ऊपर रख दिए, जिससे कि इसका जो मटके का तला है ना पानी से टच होता रहेगा, तो हमारा पानी और भी अच्छे से ठंडा होता रहेगा। आप इसके जगह रेत है या मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं था तो मैं इसे पानी के ऊपर रख दी हूँ। और इस तरीके से ऊपर ढक्कन भी इसमें लगा देते हैं, ढक्कन के ऊपर भी हम पानी इसमें भर दिए हैं, जिससे कि हमारा मटके का पानी ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा हो। चलिए फिर एक और ट्रिक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये टी शर्ट था, पुराना टी शर्ट, इसको मैं अच्छे से गीला कर लेती हूँ। आप टॉवल वगैरह है या सूती का कपड़ा है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से हमने गीला कर लिए हैं इस तरीके से, और इसको इस तरीके से मटके को पहना देते हैं, देखिए। और देखेंगे फ्रेंड्स आपके मटके का पानी भी आपको फ्रिज जैसा ठंडा मिलेगा, और मटके का पानी बहुत ही स्वादिष्ट होता है और शरीर के लिए भी फायदेमंद हेल्दी होता है। तो इस तरीके से आप जैसे कपड़ा सूख जाए ना तो समय समय पे थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देंगे तो आपका पानी मटके का पानी और ज़्यादा ठंडा रहेगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।